मकर राशि यानी ख और ज अक्षरों से जिन व्यक्तियों का नाम शुरू होता है उनके लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, तो इसमें यह बात देखने होगी कि विशेष तौर पर शुक्र महाराज तो बदल गए हैं और जो आपके राशि में पराक्रम स्थान पे आए हैं, पराक्रम की स्थिति के कारण आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, पैसे भी मिल सकते हैं, आवक भी मिल सकती है, किसी मीडिया क्षेत्र में आपको कार्य भी मिल सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि केतु महाराज आपके लग्न स्थान पर यानी राशि पर बैठे हुए हैं, राहु महाराज सप्तम में है, साथियों से जरा सावधान रहने की पूर्ण रूप से जरूरत है। साथ में केतु महाराज की वजह से कामकाज में सफलता नहीं मिल रही है, मानसिक रूप पर आप जरूर चिंतातुर रह सकते हैं, क्योंकि केतु के कारण आपको मन में क्या करना क्या नहीं करना विचार तो बहुत आएंगे लेकिन विचारों का आप आदान प्रदान नहीं कर सकोगे, इसलिए थोड़ा आलस को छोड़ के आपको काम करने की जरूरत दिखाई देती है। शनि महाराज की वजह से आपको लाभ तो अवश्य मिल रहा है, जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न में आप फंसे हुए हो ऐसा भी दिखाई देता है, और साथ में आपके जो साथी हैं वो लोग भी फंसाए हुए हों ऐसा दिखता है। आर्थिक रूप से लेन देन से जरा सावधान रहिएगा, अन्यथा कर्ज बढ़ने की संभावना भी बन रही है, यानी अपना जो मैनेजमेंट करिए वो बहुत सुचारू रूप से आपको इस सप्ताह में करना होगा। नए व्यक्तियों की मुलाकात हो सकती है, नए व्यक्ति आपको बुला भी सकते हैं, पुराने मित्रों से भी मुलाकात आपकी हो सकती है। पति पत्नी के बीच में मतमतांतर दूर होगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य पर जो पुत्र संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिल सकती है, संतान की प्रगति भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, नया कार्य भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की आपसी तालमेल कम दिखाई दे रही है, जहां आप काम कर रहे हो अथवा नौकरी कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा मतमतांतर होने की संभावना है, लेकिन आपको जिद छोड़कर अपना काम करना होगा, अपनी गुप्तता को अपने पास रखो वो ज्यादा उत्तम रहेगा। नया विजातीय संबंध न बन जाए इसकी भी संभावना बन सकती है, तो वह संबंध न बने यह आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों के द्वारा आपका मान मर्यादा भी तोड़ने का प्रयास हो सकता है, तो जरा सावधानी से काम करेंगे, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी अवश्य रखें, यानी कुल मिला के सप्ताह में थोड़ी सी उठा पटक अवश्य रहेगी। आर्थिक रूप से सप्ताह उत्तम दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, लेकिन कोई गलत काम न करना पड़े यह ध्यान अवश्य आपको रखना होगा। क्या करोगे तो इस सप्ताह के दरम्यान ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् मृत्युंजय महामंत्र का जप करना है और भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव पर जलाभिषेक करके और उनको कुछ न कुछ यानी काला तिल और जब अगर आप भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो इससे पूरे सप्ताह के दरमियान होने वाली जो तकलीफ है उस तकलीफों में से आप बाहर आ सकते हैं। एक काम आपको अवश्य इस सप्ताह में करना होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी आप कोई भी व्यापार की डील करना चाहते हैं, डील अवश्य होगी, तो डील में जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कोई व्यक्ति आपको गलत जगह पे फंसा न दे। आप फंसने की भी संभावना इसलिए है कि केतु महाराज और साथ में शनि महाराज की स्थिति की वजह से कहीं न कहीं आपकी फंसावट हो सकती है, यानी उससे आपको सावधान रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। दर्शक मित्रों, विशेष तौर पर यह सप्ताह आपके लिए सामान्य जाएगा, लेकिन कुछ उठापटक होने की वजह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई गलत कदम आपको नहीं उठाना है, तो यह सप्ताह आपका उत्तम और शुभ रहे, यही हमारी प्रार्थना रहेगी।